क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन हेयर इज द सिक्स्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन बेटा दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 4 mark क्वेश्चन और 6 mark क्वेश्चन मे कम लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स बेटा हम लोग जब FPTP की बात करते हैं तो हम लोग ये मैंडेटरी है FPTP में कि आपका नेशन या आपकी कंट्री ज्योग्राफिकल लेवल पर या फिर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड की जाएगी और हम लोग बेटा जब PR की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटा यहाँ पर है ना मे वाला कंडीशन है यहाँ पर मस्ट वाला कंडीशन है फर्स्ट पॉइंट के लिए कि यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी ही बनेंगी पूरे नेशन में ठीक है यहाँ पर क्या है कई बार पूरे नेशन को एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह देखा जाता है ठीक है या फिर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह देखा जाता है और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप स्मॉल ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बना सकते हैं आप लार्ज या सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बना सकते हैं तो देयर मे बी बोथ द सिचुएशंस जैसे कि हमने बेटा बात की थी इसराइल के रिगार्डिंग तो हमने देखा कि पूरा नेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह डील करता है ठीक है और हम लोग जब अर्जेंटीना और पोर्चुगीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने की बात की है पूरे नेशन में नेक्स्ट है एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव हर पहला कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी और वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंटेटिव एक से ज़्यादा नहीं हो सकते इसके बाद बेटा PR सिस्टम हमें ये कहता है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं ठीक है तो क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी अर्जेंटीना और पोर्चुगीज़ के रिगार्डिंग वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस के बाद किसी एक पर्सन को भी उस एरिया के लिए अपॉइंट कर सकती हैं और एक से ज़्यादा पर्सन को भी उस एरिया के लिए अपॉइंट किया जा सकता है आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट वोटर्स वोट फॉर दी कैंडिडेट बेटा यहाँ पर है ना एक चीज़ आप प्लीज़ लिख सकते हो दैट कि यहाँ पर वोटर्स जो हैं कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को वोट करते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड बेटा सिचुएशन बदल रही है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि FPTP सिस्टम जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं बाकी जब इलेक्शंस के हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि कई बार वोटर्स पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट देते हैं और कई बार वोटर्स जो हैं आपके कैंडिडेट के नाम पर वोट दे देते हैं नेक्स्ट बेटा इसके अगेंस्ट है दैट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी PR सिस्टम के अंदर बेटा ये फिक्स है कि यहाँ पर आप कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं देते कभी भी आप किसके नाम पे वोट देते हैं हमेशा आप वोट देते हैं आपके पार्टी के नाम पर और पार्टी को वोट दिया बाद में पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि भैया कौन सा कैंडिडेट वहाँ पर काम करेगा और कौन सा कैंडिडेट को किस एरिया के अंदर उनको अपॉइंट करना है नेक्स्ट पॉइंट अ पार्टी मे गेट्स मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर ये वेरिएशन बेटा हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स मे नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर ठीक है ये हम लोग FPTP के रिगार्डिंग देख रहे हैं इधर है कि क्या है PR में एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स देन इट्स सीट्स या फिर पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर PR में ये फिक्स है कि जितना परसेंट आपको वोट मिलेगा उतनी परसेंट आपको सीट्स मिलेंगी इस तरफ मे नॉट इक्वल टू एंड ऑलवेज इक्वल्स टू आफ्टर दिस
कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट गेट द मेजॉरिटी. यहाँ पर बेटा हम लोग बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम वोट्स चाहिए, मेजॉरिटी की बात हम यहाँ पर बात नहीं करते. नॉट वर्ड लिखा है आप ध्यान से देखें तो. और यहाँ पर बेटा मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, बिना मेजॉरिटी के आप काम नहीं कर सकते, 50% से ज़्यादा, चाहे वो एक वोट ही क्यों ना हो. हमारे पास एग्जाम्पल्स है बेटा यूके और इंडिया का एफपीटीपी के रिगार्डिंग, और इसराइल और नीदरलैंड के बारे में हमने पहले भी देखा. आप चाहें तो इसके अंदर अर्जेंटीना पोर्चुगीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमने वो वाले भी देखे हैं. तो हेयर इज़ द कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी सिस्टम एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम. सबसे बड़ा कारण क्या है एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट करने का? द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस, क्योंकि बेटा अब तक हम लोग एफपीटीपी सिस्टम समझ चुके हैं, अब तक हम लोग थोड़ा बहुत पीआर सिस्टम भी समझ चुके हैं. तो इफ़ यू हैव केयरफुली रीड द बॉक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शंस, बेसिकली बेटा हम लोग राज्यसभा इलेक्शंस हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉर, या फिर बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि पीआर का एक थर्ड वेरिएशन है, उसे उसका यूज़ किया जाता है. हमने पीआर सिस्टम के बारे वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी. तो इट इज़ बेसिकली अ चॉइस वोट, ठीक है. हम प्रेफरेंस की बात करते हैं हमेशा, हम चॉइस की बात करते हैं. और हम लोग ये भी देख के चलते हैं कि यहाँ पर किसी एक पर्सन को वोट नहीं देना, आपको सबको वोट देना है, आपका वोट वेस्ट भी नहीं होगा. और लोगों को ये समझाना कि आप किसी एक को वोट देने नहीं जा रहे हो, आप सबको वोट देने जा रहे हो, बट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी पड़ती है. देन यू वुड हैव नोटिस दैट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच मे वर्क इन अ स्मॉल कंट्री बट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री लाइक इंडिया. क्योंकि बेटा देखो, एक तो चीज़ हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, दो कैंडिडेट खड़े नहीं होते, कई बार 10 होते हैं, कई बार 10 से भी ज़्यादा हो जाते हैं. तो आप 10 के बीच में आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, वोटर्स बहुत सारे हैं, इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उनके साथ डील करने के लिए थोड़ा टाइम हमें चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है. इसके अलावा द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इज द सिंपलिसिटी इटसेल्फ. आसान है, जल्दी से समझ में आ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसे यूज़ करने के लिए. द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर द कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द इलेक्शंस. यानी कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं है, इलेक्शंस का ज्ञान नहीं है, कोई और चीज़ों को पॉलिटिक्स या इलेक्शंस में आप इन्वॉल्व नहीं भी होते, तो भी आपको ये सिस्टम ईजिली समझ में आ जाता है. देर इज़ ऑल्सो क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी वाइल वोटिंग. यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, किसी और को नहीं देना. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर्स में इधर गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द पार्टी और समटाइम्स दे गिव वोट इम्पोर्टेंस टू द कैंडिडेट एंड समटाइम्स इन द एफपीटीपी सिस्टम दे ट्राई टू बैलेंस बिटवीन द बूथ. किसके बीच में? कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और कैंडिडेट्स के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन द पार्टीज बट अ स्पेसिफिक कैंडिडेट इट्स वेल. भाई मुझे पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, पर ये वाला कैंडिडेट मेरे एरिया में अच्छा काम करता है तो मैं इसको वोट दे सकती हूँ. तो हमारे पास ये एक चॉइस भी मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ एफपीटीपी सिस्टम में. In other electoral systems, especially in like PR, voters are often asked to choose a party. The representatives are elected on the basis of the party list. आपने पार्टी को वोट दिया, पार्टी जीत गई तो वो अपने हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा कर देगी, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में जो कैंडिडेट आएगा, आपके एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाला है, वो आपके लिए काम करें. हो सकता है वो आपके एरिया का हो ही ना. तो ये चीज़ों का श्योरिटी हमारे पास नहीं होता पीआर में, ये श्योरिटी हमें सिर्फ एफपीटीपी सिस्टम में मिलती है. देन एज अ रिजल्ट देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी. अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक एफपीटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और हर
अकाउंटेबल, तो ये सब चीज़ें वो FPTP के अंदर हम देख पाते हैं। और अकाउंटेबल वर्ड बेटा आपके लिए न्यू नहीं है, प्लीज़ आप इसके साथ लिख लें। आंसरेबल यानी कि आपका कैंडिडेट जो आपके एरिया का है वो आपके लिए आंसरेबल है, आप जब चाहें उससे सवाल जवाब करें और उससे हेल्प की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग कार्टून एक्सप्लेनेशन देखेंगे।